नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैंने WhatsApp पे छोटे छोटे क्लिप्स कंबाइन करके एक वीडियो तैयार किया है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपके जो रिकवरी के स्टार्टअप पॉइंट्स है वो आप नोटिस कर सकते हो। अगर ये सब पॉइंट्स आपके अंदर हैं तो आप यकीन मानिए कि कुछ ही सालों के अंदर आप बहुत अच्छे से रिकवरी कर पाओगे और अच्छे से चलना भी सीख पाओगे। तो पेश है वो वीडियो, आप पूरा वीडियो देखिए, उसमें अगर कोई सवाल हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। बात करते हैं पहले वीडियो की। ये एक स्टार्टर पॉइंट होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। अगर आपके पैरों में इस तरह से रब करने से आपके पैरों में हलचल होती है, कोई एक्टिविटी होती है, आपके माइंड तक वो मैसेज आता है कि मेरे पैरों को टच कर रहा है, इस तरह से आपकी उंगलियां टाइट होती हैं, तो इससे आपको ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आपकी रिकवरी पॉसिबल है। तो इस तरह से आप पैरों को हरकत करोगे तो आपके पैर जो है वो टाइटनेस पकड़ेंगे और अपने आप थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू होंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप सीधे लेटे हुए हो तो किसी पैकेट में या एक बर्फ़ का टुकड़ा आप ऐसे अपने लेग्स पे लगाओगे साइड पे, जहाँ इन घुटनों के ऊपर हल्के से पुश करोगे तो आपकी जो लेग्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में आएगी। इस तरह से वो झटके मारेंगी और इस तरह से उनके अंदर एक करंट सा एक्टिव होगा। और जब ये चीज़ होने लगती है या होती है तो इसमें आप ये आइडिया लगा लोगे कि रिकवरी के बहुत अच्छे चांसेस होने वाले हैं और कुछ ही टाइम के अंदर या कुछ साल के अंदर आपकी रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है। बाकी थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है वो बात की बात है, लेकिन ये सब साइन जो है ये अच्छी रिकवरी और पॉजिटिव साइन है। दूसरा, जब आप कहते हो कि हम खड़े नहीं हो पाते, हमें लेग्स में प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह से आपने कुछ टाइम के लिए बाकर पकड़ के खड़े होना है और फिर कुछ सेकंड के लिए बैठना है, फिर कुछ सेकंड के लिए खड़े होना है और बैठना है। इसको आप जितना रिपीट करोगे, इतने बार रिपीट करोगे, आपकी लेग्स में, आपकी नीज में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनना शुरू हो जाती है, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तीसरा वीडियो ये है, इन बाइसेप्स के अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, जैसे कि ये लेग्स को, दोनों लेग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से उठा पा रहे हो। आई थिंक कि मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं उनमें इतनी वो पावर नहीं आती है, लेकिन इनके अच्छे काफ़ी अच्छी पावर आई हुई है। तो इस तरह से आप अपने लेग्स को भी एक्सरसाइज में ला सकते हो, खड़े होकर एक लेग को फिर दूसरे लेग को उठाना है, तो इस ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ऐसा होगा। ये एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छी स्ट्रेंथ है, तो इसे आप रेगुलर करोगे, बार बार करोगे तो आपका जो बैलेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वॉकिंग करोगे तो अच्छे तरीके से करना शुरू कर देते हो। तीसरा वीडियो ये है कि जब आप वॉकिंग करते हो, स्टार्टिंग में ऐसे ही प्रॉब्लम आती है, सबको फेस करने पड़ती है, तो इसमें ये घबराने वाली बात नहीं है कि आप सीधे नहीं चल पा रहे हो या टेढ़े चल पा रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप चलना शुरू कर दोगे इस तरह, तो जितना आप चलोगे, जितने टाइम आप चलोगे, जितना इस चीज़ को रिपीट करोगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही चला और ऐसे ही चलना सीखा था, तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है, जिसके बल पे मैं आज सिंगल स्टिक पे आराम से चल पाता हूँ। और ये वाला वीडियो जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि इन भाई साहब को अभी काफ़ी वीकनेस है, जो इनकी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, पर आपने क्या करना है, इस तरह से अगर घर में आपके पैडल बार्स हैं तो आप बाकर को साइड पर छोड़ के इस तरह से पहले कुछ घंटे या कुछ मिनट या कुछ सेकंड से शुरू करना है, तो और आपके अच्छी जब स्ट्रेंथ बन जाए फिर आपने इस पैडल बार में वॉकिंग करनी है। इस वॉकिंग से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप थोड़े थोड़े बाकर से रिमूव करके सिंगल स्टिक पे या इंडिपेंडेंट चलने में थोड़ा थोड़ा आपका ध्यान जो है डाइवर्ट होने लग जाता है, तो इससे काफ़ी अच्छी आपकी इम्प्रूवमेंट आती है और इसमें आपका जो ध्यान है वो बाकरी तरफ नहीं आता है, इस तरह आपका ध्यान जो इंडिपेंडेंट वॉकिंग पे आना शुरू होता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।